आफ्टरनून फिफ्थ क्लास, कल हमने किया था आपका सोक्रेट्स का चैप्टर नंबर 10 हाफ किया था, ठीक है। तो सोक्रेट्स ने क्या बताया है कि इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए थोड़ी बहुत देर, एटलीस्ट अगर मेडिटेशन ना करे तो मतलब ये तो सारा दिन में जो उसने काम किया है शाम को या किसी भी टाइम 5 से 10 मिनट लगाए और ये सोचे कि या जो उसने किया है क्या वो सही किया है, क्या सही है क्या गलत है, किसी के ऊपर गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि हर एक इंसान को इतना तो सोचना चाहिए, है ना, कि सबको नोबल बनना चाहिए, है ना, काइंड हार्टेड बनना चाहिए। सोक्रेट्स ऐसा समझाते हैं सबको। कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे एथेंस में, है ना। और उनके पापा कैसे थे? पुअर फार्मर थे। उनकी ड्रेस कैसी थी? शेबी ड्रेस थी, होती थी ना। तो बचपन से ही उनको एक अलग सा माहौल मिला है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो स्कूल में नहीं गए हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत उनको साइंस की एजुकेशन मिली है, थोड़ी बहुत म्यूज़िक उन्होंने सीखा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 64 से। 64 के 1-3 पैराग्राफ्स हम लोग कर चुके थे, हम 3 पैराग्राफ कर चुके थे, हम कर रहे हैं 4th पैराग्राफ से स्टार्ट। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेट्स टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। हाँ जी, जो एथेंस पे का जो गवर्नर था, जो जिसका राज चलता था गवर्नर एथेंस पर, उन्होंने सोक्रेट्स को समन दिया, मींस बुलावा भेजा, समन्ड मींस बुलावा भेजा सोक्रेट्स को कि वो कोर्ट में आए और जो भी उनकी ट्रायल्स हैं, मींस उनकी जो शिक्षा है, जो वो बातें दूसरों को बताते हैं, कि वो आके बताए, समझाए। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। जो सोक्रेट्स के फ्रेंड्स थे उन्होंने उन्हें समझाया और मतलब बेग्ड हिम, भीख मांगी, वो बोला ना कि प्लीज़ आप यहाँ से भाग जाओ, या तो आप भाग जाओ और हाइड और छुप जाओ तब तक कि द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये जो तूफान है वो शांत नहीं हो जाता। यहाँ पर कौन से तूफान की बात कर रहे हैं बेटा? कि तूफान कैसा, मीन्स जो लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे ना, उन लोगों का तूफान। कहते कि मतलब जब ये होगा कि उनके सामने सोक्रेट्स आएगा ही नहीं तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उस तूफान के बारे में बोला गया है, उन लोगों को तूफान बोला गया है कि जो उनको बुरा समझते थे, ठीक है। तो कहा कि ब्लोन ओवर, जब तक कि वो तूफान शांत नहीं हो जाता, मीन्स ये टाइम थोड़ा सा निकल नहीं जाता, आप तब तक कहीं पर छुप जाइए या यहाँ से चले जाइए, भाग जाइए। बट सोक्रेट्स वॉज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेट्स तो कोई कावर्ड नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दैट ही हैड ओनली टॉट वट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल। सोक्रेट्स जानता था कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, है ना, और सिर्फ वो लोगों को वही सिखाता है, वही बातें बताता है जिस पर वो विश्वास करता है, ठीक है। उनको जो सही लगता है वो वही बातें लोगों को बताता है, किसी को उसने ज़बरदस्ती नहीं बोला, है ना, किसी को उसने पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं बोला ना कि जो मैं विश्वास करता हूँ आप उस पर विश्वास कीजिए, नहीं ना। लोग वैसे ही उनसे आके बात करते थे, रिच मैन थे वो, खुद ही ऑनरेबल फील करते थे कि उनके पास, उनके घर वो आए एज अ गिफ्ट गेस्ट। तो कहते कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, है ना। सो एवरी वन एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और वो कहाँ पर गया? कोर्ट में गया, दरबार में गया। His clothes and shoes were dusty and travel stained. जब वो गए थे तो कहते थे ना सोक्रेट्स जहाँ भी जाते थे वो पैदल ही जाते थे, तो जब वो वहाँ पर गए कोर्ट में तो जो उनके क्लोथ्स थे, उनके शूज़ थे, उन पर धूल जमी हुई थी और जंगे जंगे दाग धब्बे भी लगे हुए थे, जैसे वो पैदल गए तो कहीं पर रेत वगैरह लग जाए या फिर पानी की छींटे पड़ जाए। बट एवरी वन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट, लेकिन हर किसी को ये पता था कि जो ये शेबी, वो जो अजीब से गारमेंट्स, अजीब सी वेशभूषा है, कपड़े है, इनके पीछे एक नोबल हार्ट धड़क रहा है, एक जो नोबल, जो एक बहुत ही दयालु सा दिल है, एक बहुत ही काइंड सा दिल है, ठीक है, एक इनके अंदर। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही पावरफुल और एक डिग्निफाइड, बहुत ही सम्मान वाली स्पीच दी, एक भाषण दिया। ही टोल्ड द एथियंस दैट
दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने एथेंस को ये समझाया, बताया कि अगर उनकी लाइफ के वो कुछ साल ले भी लेंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा उनको। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वट ही बिलीव टू बी राइट। और वो ऐसी कई जो डेथ्स है वो मरना पसंद करेंगे जिनके वट ही बिलीव टू बी राइट, जो कि सही है, जिन पर वो विश्वास करते कि जो चीज़ें सही हैं। द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। अब जो जजेस थे उन्होंने उनको सुना, उनकी बातें सुनी, है ना, और उनके क्वेश्चन किया कि जो आपने बोला ये किस बेस पर बोला, उनको क्वेश्चन किया और कंडेम्ड हिम टू डेथ। और जब उसने उनकी बातें सुनी, उनको मतलब पूछा, है ना, तो उन्होंने क्या अपना जजमेंट दिया जजेस ने कि उनको कंडेम्ड हिम टू डेथ, मौत की सज़ा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कम्प्लेंट, जो ओल्ड मैन थे, जो सोक्रेट्स थे, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, वो चुपचाप ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी लीन्ड मीन्स झुकना, अपनी स्टिक के ऊपर झुक गए, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और चारों तरफ देखने लगे, जो क्राउडेड कोर्ट रूम था, जो दरबार था, उसके चारों तरफ जो भीड़ थी उसको देखने लगे। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, जो प्लेटो थे, जो उनके फेवरेट शिष्य थे, स्टूडेंट थे, और जो दूसरे अदर पीपल्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो कोर्ट में सारा टाइम उनके साथ थे। नो ईविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, और क्या कह रहे थे कि एक अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उन्होंने बताया, ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है और ना ही मरने के बाद कुछ बुरा हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, सो हमेशा खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे तो जाना ही है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव। सोक्रेट्स ने क्या बोला कि एक अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, ना तो लाइफ में और ना ही मरने के बाद, ठीक है, मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना ही पड़ेगा, कि जो मेरे जाने का टाइम है, द आवर ऑफ माई डिपार्चर, जो मेरे जाने का समय है वो आ चुका है। वी गो आवर वेज, हमें हम सबको अपने अपने रास्ते जाना है, मुझे मरना है, आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, और आपको जीना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम वे टू प्रिजन, हाँ जी, तो सोल्जर्स आए और उसको जेल में ले जाकर कैद कर दिया। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज थ्री चिल्ड्रन, जो उसकी वाइफ थी और उनके तीन बच्चे थे, वो उनके पीछे पीछे चल दिए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर ऑल्सो विद हिम, और उनके जो फेवरेट पीपल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी उनके साथ चल दिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हर्ट्स, और काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे, और सोक्रेट्स ने उन्हें कुछ ऐसे अच्छे अच्छे लेसन्स दिए, अच्छी अच्छी शिक्षाएँ दी, कि जिन्हें वो अपने हार्ट में या अपने माइंड में हमेशा उनकी याद छोड़ देंगे, कि जिनको वो अपने हमेशा दिल में रखेंगे। ऐसी उन्होंने बातें बताई, ऐसी शिक्षा दी उनको। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू दैट सोक्रेट्स वुड डाई सून, लेकिन उनके जो सारे फ्रेंड्स थे वो उनको ये पता चल गया कि जो सोक्रेट्स है वो जल्दी ही मर जाएंगे। देवर सैड, वो दुखी हो गए। फॉर एज प्लेटो रोट, प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बींग प्रिपेयर्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन। हाँ जी, सोक्रेट्स ने क्या लिखा कि वो एक फादर की तरह थे, है ना, एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट, और हम अपनी लाइफ, अपने जो लाइफ है, वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन, ठीक है, और वो हमारे लिए एक फादर की तरह थे, और अब हम अपनी ऐसी लाइफ ऐसे बिताएंगे, अवर लाइफ एज ऑर्फन। ऑर्फन क्या होते हैं, अनाथ बच्चों की तरह, मीन्स वो हमारे लिए एक फादर की तरह थे, और जब वो चले जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो हम अपनी लाइफ एक अनाथ की तरह ही स्पेंड करेंगे। आफ्टर द सन
हैड सेट बिहाइंड द ट्री टूब्स, और जब सूरज छिप गया, द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ। जब सूरज छिप गया, ठीक है, तो पेड़ों के झुरमिट में जब सूरज छिप गया, तो जो जेलर आया, यानी कि शाम हो गई, शाम, ठीक है, तो वो कहता है सोक्रेट्स को कि आप प्रिपेयर हो जाइए अपनी डेथ के लिए। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। जो एथेंस में जब जिनको मौत की सजा सुनाई जाती थी, उनको क्या, एक जहर का कप दिया जाता था। सोक्रेट्स न्यू दिस, सोक्रेट्स को ये बात पता थी, सुकरात को, एंड ही नॉडेड टू द जेलर, उसने जेलर को नॉड किया, मीन्स अपने सिर को हिलाया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और जो उनकी तरफ देख रहा था दुखी होकर कह रहा था, यू सोक्रेट वूम आई नो बी टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर कम टू दिस प्लेस। वो जेलर क्या कहता है सुकरात को कि आप ही एक ऐसे हो, यू आर द नोबलेस्ट, आप सबसे ज़्यादा नोबल हो, सबसे ज़्यादा जेंटल हो, है ना, एंड बेस्ट ऑफ ऑल ओवर ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, और जितने भी आप यहाँ पर आए हैं इस प्रिजन में, इस जेल में, आप सब उनमें सबसे ज़्यादा ही नोबल हो, मीन्स आप सबसे ज़्यादा दयालु हो, सबसे ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे गुस्सा मत होना, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपको ये बोलूँ ना कि आप ये जहर का जो कप है आप पी लो, तो आप प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, ब्रस्टिंग इन टू टीयर्स, और जब उसने ये बात कही तो ब्रस्ट इन टू टीयर्स, उसके जो है आंसू, मतलब रोने लग गया वो। ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और वहाँ से ये बात कहकर चला गया, और रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और फिर क्या लेके आया वो, एक जहर का कप लेके आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सोक्रेट्स क्या सेड सोक्रेट्स एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप। सुकरात क्या कहता है कि जो मे द गॉड है, जो भगवान है, वो मेरी जर्नी को प्रॉस्पर करे फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार में जाने के लिए मेरी लाइफ को प्रॉस्पर करें। और ऐसा कहकर उसने क्या किया, जो कप है उसको उठा लिया और कप टू हिज लिप्स, अपने मुंह से लगा लिया। हिज पीपल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स but no one sobbed aloud and this distressed the other and soon the room was filled with the sound of weeping। उनके शिष्यों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने आंसू रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए, है ना, तो क्या हुआ, और थोड़ी ही देर में जब सुकरात ने वो कप पी लिया था जहर का, तो थोड़ी देर में उनकी डेथ हो गई, और जो सारा जो रूम था वो आंसू, मतलब रोने की आवाज़ों से भर गया, यानी कि सब रोने लगे, उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, उनके प्यूपिल्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, सब रोने लगे। सोक्रेट्स पोस्ट विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात रुके थोड़ी सी देर के लिए, मीन्स वो जहर का प्याला पीते पीते बीच में, ठीक है, रुके। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, वो कहते हैं क्या अजीब सी आवाज़ है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि मैंने, आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है, अ मैन शुड डाई इन पीस, के जो एक आदमी है वो बहुत ही शांति से मरता है। यू मस्ट नॉट क्राई, जब वो सब लोग रो रहे थे, उसके प्यूपिल्स वगैरह सब लोग, कि मतलब वो जहर का प्याला पी रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तो जहर का प्याला पिया है इन्होंने, तो अभी मरेंगे। तो सुकरात से उनको क्या कहा कि मतलब पीते पीते ही वो रुक गए बीच में, और कहते हैं कि मैं ये मतलब कहा कि मैंने तो सुना है कि जब कोई मरता है तो बिल्कुल शांति से मरता है, तो प्लीज़ आप लोग, यू मस्ट नॉट क्राई, आपको रोना तो नहीं चाहिए, बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, चुप रहो और थोड़ा सा धीरज रखो, यानी कि सब्र करो। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समथिंग, उसने चारों तरफ देखा, कुछ याद किया। क्रीटो विस्पर टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, एक उनके स्टूडेंट का नाम है क्रीटो,
तो उनको बोला, कैन यू डू मी अ फेवर, आई ओ अ कॉक टू एस्क्लूपियस, विल यू पे द डेब्ट। वो कहता है कि क्या आप मेरा एक काम करेंगे, आई ओ अ कॉक, मैंने एक कॉक लिया था ठीक है एस्क्लूपियस से, विल यू पे द डेब्ट, क्या आप उसका जो मैंने ले रखा है जो पैसे देने हैं ठीक है कॉक के लिए, तो क्या आप उसको वो पे कर देंगे। इट शैल बी पेड, सेड क्रीटो ने क्या कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मैं उसको पे कर दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ, ही वेटेड, उसने वेट किया, बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सोक्रेट्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेट। हाँ जी, तो जब उसने बोला कि क्या आप मेरा जो डेब्ट है, जो मेरा कर्ज है, जो मैंने पैसे देने हैं किसी के भी, क्या आप वो दे दोगे, तो उसने कहा यस बिल्कुल मैं दे दूंगा, आई शैल बी पेड, बिल्कुल मैं पे कर दूंगा, इट शैल बी पेड, दे दिया जाएगा उसका जो भी पैसा है। तो फिर क्रीटो पूछता है कि और कुछ, उसने वेट किया लेकिन जो सोक्रेट्स है वो कुछ भी नहीं बोला, नो आंसर्स फ्रॉम सोक्रेट्स, उसकी साइड से कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सोक्रेट्स की डेथ हो चुकी थी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, जो कि ग्रीक्स में सबसे महान था, वॉज डेड, वो मर चुका था ठीक है। ये था आपका लेसन, तो आपने रीड करना है ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी ठीक है, पहले तो आप ही फिल करेंगे ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे ठीक है। नंबर ए पे अभी डिस्कस करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, सोक्रेट्स लिव इन एथेंस, हिज फादर वॉज अ स्टोन कटर, सोक्रेट्स बिकम फेमस एज अ टीचर, सोक्रेट्स मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, सोक्रेट्स वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, सोक्रेट्स प्यूपल वर प्लेटो एंड क्रीटो, दोनों ही थे, सो आंसर इज सी बोथ ठीक है। एक मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर दिया है, अपने बी और सी आपने फिल करने हैं ठीक है, बी एंड सी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपके करा दूंगी।